है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति न किंचन। क्या गुजरात, क्या वो बेटी गुजरात की नहीं है? हाँ या ना, क्या देश की बेटी है वो? मैं मान लेता हूँ, सर्वो वालों ने और ये एनडीटीवी वालों ने दिन रात मुसलमानों को भड़काया कि मोदी ने कत्लेआम करा दिया 2002 दंगों में। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा जैसे भाईजान कह रहे हैं, क्या मतलब वो हलाल जो करा जाता है तो वो हमारे लिए कर रहा है, तुम्हारा इससे चीज से क्या मतलब है? धार्मिक मामला है तो अपना पर्सनल हो सकता है ना, आप मुझे अपना कलमा पड़ा खाना नहीं दे सकते। अगर हिंदू है, एक मिनट, हिंदू है, मुझे असलियत पता लग गई तो आपसे कोई जबरदस्ती कहने के लिए आता कोई मुसलमान? बताओ चलो पहले क्या है कले का मतलब, कलमे का मतलब बताओ क्या है कलमा का मतलब? कलमा क्या पढ़ते हो आप? मैं मंदिर का प्रसाद भी खाता हूँ। कलमा पड़ा हुआ खाना भी नहीं ले रहे और हमें गोमूत्र प्यार है, ये भी तो कलमा है। गुजरात सरकार ने जो है 11 अपराधियों को छोड़ दिया है, बिल्किस बानो का जिन्होंने बलात्कार किया था, कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। सरकार कैसे छोड़ सकती है? सरकार एसआईटी सुनिए, रेमिशन लॉ के बारे में पता है आपको? सर आप ये बात बताइए, आपके पास प्रमाण क्या? न्यूज दिखाओ मुझे पहले तो। आप सुनिए सुनिए, सरकार ने नहीं, नहीं आपके ज्ञान पे मैं जाऊंगा ही नहीं, इसकी न्यूज कटिंग दिखा, सरकार ने छोड़ा। आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है? भाई कोर्ट ने अगर छोड़ा है तो कोर्ट से सवाल, कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, आप मेरे को प्रूफ कर दो कोर्ट ने छोड़ा है। वो अपराधी ये प्रूफ कर दो आप पहले, वो कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, आप बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिखा दो अगर छोड़ा है तो। हाँ तो बता, वेरी गुड, जाओ ना, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए छोड़ा है तो दिखा दो ना, प्रमाण भी तो। सुनिए कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। एसआईटी गठित हुई थी जिसमें 5 मेंबर बीजेपी के थे, उन्होंने ये कहा है कि उन 11 लोगों का बिहेवियर अच्छा था, इसीलिए हम रेप के कन्विक्ट्स को जिनको उम्र का उम्र कैद की सजा हुई थी उनको हमने छोड़ दिया है 15 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब आप बताइए सर, ये एजेंडा है? हाँ, सिर्फ एनडीटीवी जो एजेंडा चलाता है, आपका चैनल भी वो एजेंडा चला रहा है। हाँ, मोदी विरोधी एजेंडा, मैंने आपको फैक्ट बताया, अब आप अपना आर्गुमेंट दीजिए। मैं स्वीकार ही नहीं करता सर आपका ये फैक्ट है, ये फेक। अरे सर आर्गुमेंट तो दो, आर्गुमेंट सिर्फ इतना है अगर कोई निर्दोष है उसे छोड़ा जाएगा, ठीक है ना? ये तो कोर्ट कह रहा है ना, तो दोषी है। अगर कोर्ट दोषी कह रहा है तो सजा देगा कोर्ट, कोर्ट सजा देगा। आप कोर्ट में सजा तो दे दी ना यार, सुन तो लो, सजा दे दी सर, दे दी तो फांसी चढ़वा दो ना आप। नहीं फांसी की सजा नहीं दी है, जो भी सजा दी है तो दिलवा दो, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है। अगर दिया है तो दिलवा दो ना आप, यहाँ पे आके बात क्यों कर रहे हो सर? आपकी जानकारी, आप आए ना जवाब देने के लिए? कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने आपको बुलाया जवाब देने के लिए? आप गुजरात के, क्या मैंने आपको बुलाया जवाब देने के लिए? बिल्किस बानो, क्या गुजरात में बिल्किस बानो ही मुद्दा है? क्या गुजरात, क्या वो बेटी गुजरात की नहीं है? हाँ या ना, क्या देश की बेटी है वो? मैं मान लेता हूँ, पर आप एजेंडा नहीं चलाओगे उसके नाम पे। सुनिए, क्या वो इस देश की बेटी है? खिलाफ 2002 का एजेंडा चलाया, सारे मुसलमानों को भड़का दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को निर्दोष माना है, आपने दिखाया एक भी बार? मैंने दिखाया, ये कारवो वालों ने और ये एनडीटीवी वालों ने दिन रात मुसलमानों को भड़काया कि मोदी ने कत्लेआम करा दिया 2002 दंगों में, गोधरा कांड में। एक भी बात बताओ मोदी को, कोर्ट ने कन्विक्ट मांगा हो तो, क्या अमित शाह को माना हो तो एजेंडा चला रहे हो? हम तो नहीं कहते भैया मोदी ने करा है, बिल्किस बानो इज एजेंडा। अगर यानी कि नहीं हुआ, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, बेटी के साथ, बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, सजा दी जानी चाहिए, कोर्ट देगा। लेकिन यहाँ माइकों पे सजा, माइकों पे ये एजेंडे नहीं चलेंगे इस बात के कि किसी बहन बेटी को मिल जाए न्याय, ऐसा नहीं होएगा। न्याय मिलेगा कोर्ट के माध्यम से, आप कोर्ट से पूछो, कोर्ट के जज से पूछो कि उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई, और अगर दी है, कोर्ट के जज को बाइट देने का अधिकार नहीं होता, नहीं होता है तो भैया ये आप हमसे आम जनता से पूछोगे तो एजेंडा ही लगेगा। तो आप आम जनता, ये लोग भी अगर बरी हुए तो न्यायपूर्ण बरी हुए होंगे, अगर कुछ गलत हुआ होता तो जनता रोडों पे होती, सिर्फ माइक पे बात करने से कुछ नहीं होता। आप 2000 देखो, 2002 दंगों में मोदी को कितना बदनाम किया, दो बार प्रधानमंत्री बन गया, 4 बार मुख्यमंत्री बन गया, कोई इसने रोक पाया क्या? कोई वैसे योगी को भी कोई नहीं रोक पाएगा, और ये सिर्फ एजेंडा चलाते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। किसी बहन बेटी के साथ गलत हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए, पर कोर्ट देगा। सवाल सुन लीजिए, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, सवाल सुनिए। मैं यही कह रहा हूँ, न्याय मिलना चाहिए बेटी को, न्याय मिलना चाहिए ना, न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। प्रक्रिया आप नहीं बताओगे कोर्ट, प्रक्रिया मैं बता भी नहीं रहा हूँ, प्रक्रिया मैं बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ PIL डाली जाती है कि इन 11 लोगों को रिहा किया गया है, रेमिशन दिया गया है, तो उसके खिलाफ PIL डाली गई कि ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गुजरात सरकार से और केंद्र की सरकार से कि आपने किस बिना पे छोड़ा है, तो उसमें हलफनामा दायर करके गुजरात की सरकार ये कहती है कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए
ऐसे अपराधी पहले भी छूटते आए हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हो, मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर बहुत ज्यादा ब्रीफ कह नहीं सकता। अगर किसी सरकार ने ये बात कही है और अगर लगता है बिहेवियर ठीक है, बहुत सारे अपराधी छूटे यहाँ, तो अफजल गुरु सुन तो लीजिए सर, अफजल गुरु के लिए भी 2 बजे कोर्ट खुला, आतंकवादी था, 293 ब्लास्ट का इस देश में न्याय, फांसी लगाने के लिए खुला ना, फांसी लगाने के लिए, छुड़वाने के लिए, फेयर ट्रायल के लिए, सुनिए फेयर ट्रायल सबको अधिकार है, फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल सबको अधिकार है, फेयर ट्रायल हुआ, अग्री, अगर ये लोग फेयर ट्रायल के बाद वो कन्विक्ट हुए, कन्विक्ट हुए, इनको सजा हो गई, हाँ, और उसके बाद अगर इनका बिहेवियर ठीक है तो छूट गए। रेप के अपराधी सर, वो उसमें जो है रेमिशन के लॉ में एग्जम्पशन है कि मर्डर और रेप के अपराधी नहीं छोड़े जाएंगे, अगर नहीं छोड़े जाएंगे तो इसमें कोर्ट में बहस होनी चाहिए, ये रोडों पे नहीं होनी चाहिए, कोर्ट आपके इसमें कोई विचार नहीं है, मेरा इसमें कोई विचार नहीं, कोर्ट के संज्ञान में होता है जो मामला, उसमें कोर्ट भी जिम्मेदार होता है बोलने के लिए, और कोर्ट को ही बोलना चाहिए, और जनता को भी और आप लोगों को भी कोर्ट से सवाल करना चाहिए कि ऐसा कैसे, कोर्ट से सवाल नहीं किया जा सकता ना सर, जुडिशियल बॉडी है वो, फिर आप काउंटर करो इसको, आप भी खुद कह रहे हैं, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि जुडिशियल बॉडी है और न्यायपालिका हमारे देश में सर्वोच्च है, ठीक है ना, तो न्याय का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, अब उसमें सरकार और केंद्र सरकार, आप कह रहे हो केंद्र सरकार राज्य सरकार, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, राज्य सरकार ने छोड़ा है कोई, अब देखिए ना राज्य सरकार से सवाल कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बता दीजिए, आपने केंद्र का भी नाम लिया, केंद्र से आपने केंद्र, देखिए केंद्र का कोई मतलब नहीं है, राज्य का जो कानून का अधिकार है राज्य सरकार उस पे जवाब दे सकती है, पर केंद्र का कोई वो अधिकार नहीं है कि उसके केंद्र सरकार, अमित शाह जी से परमिशन ली गई थी, यूनियन होम मिनिस्ट्री से परमिशन ली गई थी, देखिए अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है ना, अब गृह मंत्री का जहाँ दायरा होगा उस दायरे में बात करी जाएगी ना, अब ये तो नहीं कि जो न्याय से बड़ा कोई नहीं है, चाहे अमित शाह जी हो गृह मंत्री हैं, पर वो उस देश की जो देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई बात होती है तो अमित शाह जी उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं, पर अगर आप ये बोले न्यायपालिका में दखल अंदाजी का किसी का कोई मतलब ही नहीं है, न्याय तो सबसे प्रिय है, न्यायपालिका सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है हमारे देश में, तो उसका जो फैसला होगा सबको मानने होगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो वापस भेजे भी जाएंगे। आप कह रहे थे कि बिल के बानों के अलावा गुजरात में कोई मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा है गुजरात में? देखो गुजरात में डेवलप बहुत हो चुका है, डेवलपमेंट देखेंगे, जनता से मेरी बात हुई है, मैं इंटरव्यू जितने भी देखता हूँ 90% लोग कहते हैं कि भाजपा रिपीट करेगी, भाजपा रिपीट कर रही है, क्योंकि केज आप सोचिए ना वहाँ पे सबसे प्रबल पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं जो कल तक थे सोनिया गांधी जी जो सहकारी वो थी अपना अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष थी, बोल तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, सर आप सोच के देखिए केजरीवाल को, तो हो सकती है ना, नहीं केजरीवाल को अपॉइंट कर दिया, केजरीवाल के पास उनका गोपाल इटालिया उनकी माता जी को गाली दे देता है, मोदी जी को मौत का सौदागर बोला सोनिया गांधी ने, आज तक कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाई, इनकी इन्होंने इनकी माता जी पे टिप्पणी कर दी, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मेयर पे गाली देनी पड़ेगी, माता जी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बड़ी घटिया बात है, गलत बात है, देखो किसी की भी माता जी, और मोदी जी को नीच बोलना, आप एक बात बताइए जब आप सारे वर्गों की बात करते हो नीच शब्द कितना गंदा है, मोदी जी के लिए गोपाल इटालिया जी ने नीच शब्द इस्तेमाल किया, एक हार का कारण ये बन गया इनकी आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस वहां पे खेल नहीं आ रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल वहां से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी वहां पे गई और उन्होंने ऐसे व्यक्ति पे भरोसा किया जो बहुत ज्यादा बड़बोला है, उसके कारण ये आम आदमी पार्टी भी हार रही है, जनता मन बना चुके क्योंकि सेंटीमेंट्स है, गुजरात के लोगों के सेंटीमेंट्स मोदी के साथ जुड़े, अमित शाह जी के साथ जुड़े हुए हैं, आप और यहीं पे और हिमाचल में भी देख लीजिए कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है वहां पे भी 40 से ज्यादा सीटें आ रही है, 140 सीटें बीजेपी जीत रही है गुजरात में, 40 सीटें हिमाचल में, और दोनों जगह बीजेपी सरकार, काफी जनता तो ये भी कह रही है कि हम अभी कुछ दिनों में गुजरात जाएंगे भी, काफी जनता ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बन के आएगी वहां पर, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, दिल्ली में कांग्रेस को ही तो हराया आम आदमी पार्टी ने, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी की बीटी ना बीजेपी, ना बीजेपी की सीट आए ना कांग्रेस की आई, बीजेपी को अभी तक आम आदमी पार्टी हरा नहीं सकी, आपने उत्तर प्रदेश के निर्णय देखे थे उसमें जब आया था, ये मैं अग्री करता हूँ बीजेपी को नहीं हरा पाई आम आदमी पार्टी, ये मैं अग्री करता हूँ, कोई हराया ना पंजाब में भी, तो अब बीजेपी से इसका डायरेक्ट चैलेंज है दोनों स्टेटों में, अब देखते हैं कौन जीतता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सर 100% बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है दोनों राज्यों में। अच्छा केजरीवाल जी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने बोला है कि नोटों पे
लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तस्वीर भी होनी चाहिए, कैसे समझ रहे हैं होनी चाहिए? देखिए केजरीवाल जी ये, क्योंकि वैष्णो देवी का भी सिक्का मैंने देखा है, सिक्के आप छपवा लीजिए, होता क्या है ये चुनावी राजनीति कर, चुनावी ये हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, क्यों है चुनावी हिंदू है मैं बताता हूँ कैसे, अरे सुन तो लो सर मैं बताता हूँ। राजेंद्र गौतम जी ने क्या कहा, 10,000 हिंदुओं का बौद्ध धर्म में कन्वर्जन हो गया विजयदशमी के दिन, उन्होंने रिजाइन कर दिया फिर जब विरोध हिंदुओं ने किया, क्योंकि यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है और एक हिंदू नेता ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है, ऋषि सुनक, सुनक तो बीफ खाता है, वो मतलब ही नहीं है हमें उस चीज से, तो हिंदू कैसे हो गया? आपके कहने के अनुसार थोड़ी चलेगा। अरे वो बारबेक्यू खाता है बहुत अच्छा, वो कहता है बारबेक्यू पसंद है, गौ माता की पूजा करता है, ठीक है ना, गौ माता की पूजा भी करते हैं, बीफ भी खाते हैं, चलिए ठीक है, वो आपके अनुसार होगा, एजेंडा हो गया आपका। ऐसा है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए, जो ऋषि सुनक पे बात करेंगे, जो दिल्ली में केजरीवाल के नेता ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को नहीं पूजो, उसका काउंटर इन्होंने, सर ये गलत कह रहे, 22 प्रतिज्ञा राजनीतिक थी ये, अंबेडकर साहब की 22 राजनीति प्रतिज्ञा थी, राजनीतिक प्रतिज्ञा थी अंबेडकर साहब। अरे यार सुन तो लो यार प्लीज, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप भाई एक तो साइड हो जाए या तो आपसे हाथ जुड़वा, कोई नहीं कोई नहीं बोलिए, राजनीतिक प्रतिज्ञा थी अंबेडकर साहब, अगर इतने बड़े लीडर थे तो उनकी जो परिपाटी थी उनके लीडर और भी खड़े हो जाते, लेकिन एक काशीराम जी आए, काशीराम के बाद मायावती आई, मायावती का स्पेस खत्म हो गया, दो चुनाव हार चुकी है उत्तर प्रदेश में, अब राजनीति लगभग समाप्त, उनके सांसद भी जा रहे हैं, राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी है मायावती के सारे सांसद कांग्रेस में चले गए विधायक, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये प्रतिज्ञा पे आ रहा हूँ मैं, ये राजेंद्र गौतम को प्लॉट किया गया अंबेडकर जी के नाम पे, अच्छा, और इन 22 प्रतिज्ञा आम आदमी पार्टी का मंत्री होते हुए दिलवाई इसने, जबकि कोई भी भय पक्षपात की राजनीति नहीं कर सकता, दो वर्गों में बांट नहीं सकता, जब आप संविधान की प्रतिज्ञा ले लेते बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की, उसमें कहीं 22 प्रतिज्ञा नहीं है, उसमें यह लिखा है कि भय पक्षपात नहीं करूंगा मैं, वॉल्यूम 17 वॉल्यूम 17 और वॉल्यूम 14 में छपी हुई है 22 प्रतिज्ञा, नहीं नहीं गलत कह रहे हो, छपी है सर, भारत सरकार राज्य सरकार छपवाती है, इसी में संविधान में कह रहे हो सर, संविधान की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, संविधान के वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ, वो तो राजनीतिक बात हो गई ना फिर सर, संविधान जो भारत के संविधान जिस पे शपथ ली जा रही है मैं उसकी बात, अच्छा सुनिए सुनिए, उस संविधान में नहीं है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं शराब नहीं पीता, ठीक है मैं बोलता हूँ मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो क्या शराब की कंपनी वाला मुझ पर केस कर देगा? भाई क्यों करेगा, नहीं करेगा ना, तो अगर मैं बोलता हूँ मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूँ, तो उसमें आपकी भावनाएं क्यों हाथ हो रही हैं? अगर वो यहाँ कहते हैं कि मैं एक मंत्री हूँ, मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं कोई भय पक्षपात की बात नहीं करूंगा, दो वर्गों को बांटूंगा नहीं, दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं करवाऊंगा, तो वहाँ बैठ के किसी के धर्म पे टिप्पणी क्यों करी? टिप्पणी कहाँ है, वो तो बोल रहा है मैं टिप्पणी करी नहीं, मन आप भी नहीं मानोगे, ऐसा कहा है उसने सर, 10,000 लोगों को कन्वर्जन करने, मैं वहाँ पे था, मैं वहाँ पे मौजूद था, अम्बेडकर भवन में 5 अक्टूबर को मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, आप मेरी बात, मैंने वो पूरा इवेंट कवर किया है, और उसमें ये बोला गया है कि मैं नहीं मानूंगा, और लोगों ने वहां पे दोहराया है क्या संविधान जो है हमारा, तो हमारा संविधान रिलीजियस राइट की आजादी देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे ही एक व्यक्ति था जी बताइए, उसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, वो ऐसे ही कुछ राजेंद्र जैसे कुछ मूर्ख लोग उनके साथ चले गए थे पाकिस्तान, आज यहाँ पे मजनू का टीला और दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 11 और यहाँ आजादपुर जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास रह रहे हैं उनकी हालत देखो, वो भी दलित ही है और वो हिंदू थे, वो भी बौद्ध धर्म अपना सकते थे अगर वो अंबेडकर साहब के साथ रहते, लेकिन पाकिस्तान जाके उनकी क्या हालत होगी, वही बात ये कर रहे हैं, जो बात PFI के पटना वाले कागज में पकड़ी गई कि SC ST OBC को साथ लेके हम यहाँ पे गृहयुद्ध की स्थिति बनाएंगे और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, पटना वाले कागज में, पटना में PFI का एक कागज पकड़ा गया 7 पन्नों का, आपको पता है कि अच्छा, नहीं पता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये बात, और ये राजेंद्र गौतम प्लॉट है मेरे को, अरे अखबारों में छपिया भी गूगल पे दिखा दूं, जी जी बताइए बताइए, गूगल पे दिखा रहा हूं आपको, नहीं नहीं बिल्कुल यार, पटना में पुलिस अधिकारी ज्यादा तो मुझे मिलेगी, नहीं नहीं सर बिल्कुल ले लीजिए, PFI पटना पेपर पेज नहीं 7 पेज आपको न्यूज दिखा रहा हूँ सर, ऑप इंडिया की न्यूज है, ठीक है, द न्यूज एस्टेब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया बाई 2014, ये क्या 2047, ठीक है
2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे ST ST OBC के माध्यम से। अच्छा हाँ, और ये अपर कास्ट के विरुद्ध युद्ध करेंगे। अब बताओ, मोदी ओबीसी है, भारत का उपराष्ट्रपति ओबीसी है। सुनो तो, क्या मुसलमान थोड़ी बन रहे हैं? ये हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे क्या? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अच्छा, और इसी का एजेंडा चला रहा है राजेंद्र गौतम। इनको फंड मिल चुका है, पहले वो एक रावण था, चंद्रशेखर रावण, वो भी वो दल्ला बना घूमता था इनका। और बोलूंगा मैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग है, ये देश को तोड़ रहे हैं। हिंदुओं में बंटवारा क्यों कर रहे हैं? आज मोदी जी को वोट देने वाला कौन है? जो मायावती का वोटर था वो मोदी जी और योगी जी का वोटर बन चुका है। अच्छा, आज उनमें राज डालने की बात है। बीजेपी को वोट पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। आप बताओ ना, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, बन गई राष्ट्रपति, बन गई, भगवान महादेव की पूजा करती है, उपासना करती है, मंदिर पे आपने देखा होगा, स्वतंत्रता है। अब रामनाथ कोविंद जी दिवाली के दिन मोदी जी घर मिलने गए, उनके पूजा किसकी करी? जगन्नाथपुरी जब गए थे, पूजा करी ना जगन्नाथपुरी जब गए थे तब। ये प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा नहीं है, फैक्ट है सर। वो वहाँ जगन्नाथपुरी में धुलवाया गया था बालाजी, ये गलत बात है। तिरुपति बालाजी भी गए हैं, वो जगन्नाथपुरी भी गए, ये प्रोपोगंडा चला दिलवाया था बंदे, नहीं धुलवाया। अगर उनसे भेदभाव होता ना, कोई भगवा गमछाधारी उनसे भारत रत्न और ये क्या नाम है आपका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण किसने दिए? ये रामनाथ कोविंद ने दिए। रामनाथ कोविंद भारत के प्रथम नागरिक थे, मोदी उनके अंडर में। और आप कहते हो ना भारत में मनुस्मृति जला दी जाए, मनुस्मृति के अनुसार एक जिला भी चल रहा हो तो बता दो, लेकिन भारत में इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। ये कैसे बना? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? यहाँ पे जैन पर्सनल लॉ बोर्ड है? आपसे पूछता हूँ मैं, उनका कोई पर्सनल लॉ बोर्ड का सिस्टम नहीं है? अरे भाई बनाओ ना फिर, हिंदू का तो हो सकता है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाओ। अरे इनको इतनी फ्रीडम क्यों? संविधान होते हुए, संविधान होते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? आपको वक्फ बोर्ड क्यों? भाई माइनॉरिटी का दर्जा क्यों किसी को भी? एक बात बताओ, माइनॉरिटी क्यों दर्जा ना हो? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता? सेकुलरिज्म का मतलब सब बराबर है, सब बराबर है, तो फिर माइनॉरिटी कहाँ से आ गया? इसका मतलब बताओ ना, संख्या में माइनॉरिटी? अरे संख्या में 18% है वो, अबे सबसे बड़ी माइनॉरिटी, टोटल आबादी के 5% को माना जाता है माइनॉरिटी। यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है। आज ये दिखाओ मुझे यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट, आप दिखाओ ये 18% माइनॉरिटी कैसे हो गए? मैं तो सुनिए, मैं माइनॉरिटी का है, वो भी तो होना चाहिए। सांख्यिकी बताती है, मैं नहीं बताता। सांख्यिकी ये 40 करोड़ हो गए हैं भाई, 40 करोड़ हो गए। 2012 में क्या कहा था अकबरुद्दीन ओवैसी ने? 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ है, 15 मिनट पुलिस हटा दो। वो व्यक्ति जेल में क्यों नहीं है? वो व्यक्ति जेल में क्यों नहीं है? जेल तो गया था, कोर्ट में मुकदमा चला। सरकार वहाँ पे किसकी थी? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार में वो विधायक था, यहाँ तक की अच्छी खासी पैठ रखते हैं। अब जेल में डलवा दो। हम क्यों डलवा दे भाई, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं डाल सकती? बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार बोल के दिखा दे, यही बात उत्तर प्रदेश में बोल के दिखा दे और जेल से निकल के दिखा दे। परवेश वर्मा बोलते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए। किसने कहा? मुंह से परवेश वर्मा ने कहा। मुस्लिम पार्ट बोला है जी, मुस्लिम पार्ट बोला है, माइनॉरिटीज का होना चाहिए। माइनॉरिटी कौन है? जैन का बोला है, पारसी का बोला है, तो किसी का भी होना चाहिए, किसी का भी होना चाहिए, किसी का भी बहिष्कार भाई। कोई कैसे, यानी परवेश वर्मा ने गलत बोला? मैं कैसे? अकबरुद्दीन ओवैसी ने, ओवैसी ने गलत बोला, प्रवेश वर्मा ने गलत बोला, है ना? और एक हमारे साधु महाराज है, हिंदू बोला है ओवैसी ने, हिंदू बोला। एक मिनट सर, कुछ 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं का सबक सिखा देंगे। बिल्कुल गलत बोला, जेल में होना चाहिए वो आदमी, होना चाहिए ना। 25 करोड़ 2012 में बोला था, आज कितनी आबादी हो गई है उनकी? करवा लो यार, जनसंख्या करवा लो, करवा लो ना, तो करवा लेंगे। तो फिर वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए जो इतनी बड़ी? मेरी बात सुनिए, सुनिए, सुनिए सर, धमकी दे। अगर मैं बोलता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने 2047 का एजेंडा देख लिया, गजवा बोल रहा हूँ, वो अफगानिस्तान ले चुके हैं, अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म नहीं बचा। आपके आप सोच के देखो, हिंदू में बौद्ध धर्म नहीं बचा, हिंदू धर्म भी नहीं बचा, सिख धर्म भी नहीं बचा, हिंदुस्तान में बचाने की कोशिश हो रही है। आतंकवाद के आगे आप नहीं टिक पाओगे, हिंदुओं के साथ तो रह सकते हो। हम विष्णु जी का 11वां अवतार मानते हैं बौद्ध धर्म के, हमारे 11वां की 9वां मान लो, है तो अवतार ही, हम अपना हिंदू ही मानते हैं उन्हें भी। आप भाई हैं हमारे सब। अब वो कह रहे हैं, मैं नहीं मानता, आपको तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, पर्सनल चॉइस। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पर मैं उन्हें वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये कोई बोलते हैं, अगर ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं रसगुल्ला नहीं कर सकता,
तो भाई कौन कर रहा है प्रेशराइज? वो कर रहे हैं, ऐसा है ना, वो कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। ये आपकी निजी राय हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ, भड़का रहे हैं लोगों को, वो भड़का रहे हैं, इसलिए रिजाइन देना पड़ा ना। अगर उनकी बातों में दम होता, बेटे जो होती ना, घर वापसी तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, झारखंड में भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, अभी गुजरात, अभी माफ कीजिएगा, अभी गाजियाबाद में 22 प्रतिज्ञा ली गई थी, लखनऊ में 22 प्रतिज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनके गुजरात में 250 परिवार जो है बुद्ध धर्म, आपको एक बात बता रहा हूँ, उनके स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश हैं, भगवान राम श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। मैं बता रहा हूँ आज भी, ये सिर्फ थोड़ी देर मीडिया प्रोपेगेंडा होता है, वो जाते हैं, और उन्हीं के धर्म की शादियां भी हो रही है सर, और वो हिंदू धर्म में ही शादियां कर रहे हैं। देखिए एजेंडा कोई कितना भी चला ले, हिंदू धर्म को ना तो कोई तोड़ पाया है ना तोड़ पाएगा। और एक बात बता दूं, अच्छा हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे सेकुलर वर्ड डाला गया था 1976 में इंदिरा गांधी, हिंदू राष्ट्र तो नहीं था वो भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, 76 से पहले हिंदू राष्ट्र तो नहीं था। देखो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पर भारत को अपने क्या दर्जा दिया, ये मजहब पाकिस्तान नहीं बनना था ना, हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, हमें पाकिस्तान बनना है क्या? नहीं बनना ना, हमें नहीं बनना, पर भारत तो जब तक हिंदू बहुल है तब तक सुरक्षित हो, नहीं तो अफगानिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे, ना कोई सिख बचा, ना हिंदू बचा, ना बौद्ध बचा, ना जैन बचा, ना क्रिश्चियन बचा। हिंदुओं के साथ रहोगे तो खुश रहोगे, और हिंदू आपको कभी नहीं दबाएगा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। जब देश आज़ाद हुआ संविधान में, जब 1950 में जब संविधान बनता, हिंदुओं ने क्या कहा, हम सभी अपने धर्म ग्रंथों को घर पे तो मानेंगे, पर भारत का संविधान है उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों के साथ शरिया लॉ क्यों हो गया? हाँ। मैरिज में शरिया लॉ क्यों आ गया? ये ऑब्जेक्शन तो होता है। तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, धारा 44 की बात करते हैं, वो इंप्लीमेंट होता है देश में। सुनो, हम हिंदू भी तो अपने रीति रिवाज मानते हैं ना, हमें आजादी, उनको आजादी, बात खत्म। उनको आजादी संविधान ना दे, क्यों ना दे? कांग्रेस, कांग्रेस सुन तो लो, संविधान में कांग्रेस बिल ना लाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दो, और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को जमीन दे दो। ये नहीं होना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन। भाई नॉन मुस्लिम पे हलाल सर्टिफिकेशन कैसे लागू कर रहे हो? कलमा पढ़ के उन्हें खाना दिया जा रहा है, क्यों भाई? कलमा पढ़ के खाना दिया, आपको पता है एक इस कलमा पढ़ के कहाँ खाना दे दिया? मेरी बात सुन लो, हलाल का मतलब समझते हो? हलाल ठीक है, चिकन काटने की एक प्रक्रिया है वो, हलाल में तड़पा तड़पा के मारा जाता है, कलमा पढ़ के और झटका मीट होता है। खटीक लोगों से मिले हो कभी आप? खटीक भाई जो होते हैं, वाल्मीकि भाई जो होते हैं, एक झटके में काट देते हैं सुअर और बकरे को, है तड़पा तड़पा के मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? तड़पाने का मतलब क्या होता है? गर्दन काटी जाती है, कलमा पढ़ा जाता है उस समय पे, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा जाता, ये कलमा जो पढ़ा जाता है। मेरी बात आपकी धार्मिक, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई जान कह रहे हैं क्या मतलब, वो हलाल जो कराया जाता है तो वो हमारे लिए कर रहा है, तुम्हारा इससे चीज़ का मतलब एक धार्मिक मामला है, तो अपना पर्सनल हो सकता है ना। आप मुझे अपना कलमा पड़ा खाना नहीं दे सकते? अगर हिंदू है, एक मिनट, कोई हिंदू है नहीं खाएगा वो, उसे असलियत पता लग गई तो आपसे कोई जबरदस्ती कहने के लिए आता कोई मुसलमान? बताओ चलो पहले क्या है कले का मतलब, कलमे का मतलब बताओ क्या है? कलमे का मतलब कलमा क्या पढ़ते हो आप? अच्छा कलमे का मतलब तुम्हें पता नहीं है? बताओ आप, बताओ फिर मैं बताऊंगा ना, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, बता दो सर, बता दो। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, यानी कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है, सिवाय ठीक है, ठीक है ना, हाँ। हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रसूल है, ठीक है, मतलब ये हो गया। हाँ। अब इससे बता दो, इससे क्या तुम्हें दिक्कत हुई? सर मोहम्मद साहब आपके रसूल हो गए, अल्लाह है, एक अल्लाह है, अल्लाह का एक ही रसूल है मोहम्मद, मोहम्मद साहब को आप मानते हो, और उन्हीं के नाम से आप एक पशु को जब काटते हो तो आप मोहम्मद साहब से रिलेटेड लोगों को ही दो, वो हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है। हिंदू को कोई बुला रहा है तो है नहीं कि जबरदस्ती बुलाया जाता हो, हिंदू लेते भी सबसे ज्यादा, बहिष्कार चल रहा है। कांग्रेस सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लागू किया? हिंदुओं के नाम से चल रहा है क्या झटका सर्टिफिकेशन? मगर क्यों आ रहा है वो खाने के चक्कर दे रहे, ड्यूटी में आ रहा है, बोलने नहीं दे रहे हो, गलत बात है, गलत बात है, चलो ठीक है, सब पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। कहना चाह रहा हूँ मैं, रात दिन देता हूँ, मैं भी कॉलोनियों में रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ रात दिन, 40% तो खुद हिंदू खाता है, ठीक है, यकीन नहीं। अब मेरी बात सुन, ग्रुप दिखा देता हूँ इस चीज का भी। आई अपोज दिस अगर किसी आप नहीं, ने, आप नहीं खाते, मैं नहीं, मैं औरों को भी जागरूक कर रहा हूँ। जैन देखो आप एक बात बता रहा हूँ, मैं आपकी चॉइस का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी चॉइस का सम्मान करता हूँ, आप नहीं खाते लेकिन कोई और खा रहा है तो खाने दीजिए। उन्होंने जो कलमा पढ़ा आपके, अरे उसको आपत्ति नहीं है? स्वीकार करते हो आप ऐसा? स्वीकार करते हो आपके बौद्ध धर्म नहीं है,
आप स्वीकार करोगे? आपको मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं नास्तिक हूं। नहीं है मेरा कोई धर्म नहीं है। सरदार जी है वो कहे भाई आपके गुरु नानक को मैं नहीं मानता, वो एग्जिस्ट नहीं करते, रामकृष्ण को एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये ऐसा बोलने वाला व्यक्ति वो मेरा कैसे हो सकता है ये बताओ ना। अरे भैया मत बनाओ ना अपना, क्यों ना बनाऊं, मेरे राम है मेरे कृष्ण है, क्यों ना बनाऊं, उनका अस्तित्व है, उनका देश है ये, महादेव का देश है ये, आप मेरे अस्तित्व पे कैसे सवाल उठा सकते हो? आप मानते हो, मैं नहीं मानता हूं, बात खत्म हो गई। मैं भी तो नहीं मानता, हलाल को नहीं मानता मैं, आई बॉयकॉट हलाल, बॉयकॉट कर रहा हूं मैं। सही बात है भाई की, तुम नहीं मानते मगर बहुत इस चीज से बहुत सो नहीं होता, मतलब ही ना मतलब इस चीज से। ठीक है भाई, मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ हलाल का, मैं सरकारों से, सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अगर कुछ गलत किया है ठीक है तो वो गलत है। हाँ। अगर कोई कलमा पढ़ के मुझे खाना देगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई मेरी भी मेरी धार्मिक आस्था है। वो धार्मिक आस्था क्या कहती है? वो धार्मिक आस्था कहती है कि भगवान को भोग लगा के खाओ। अब भगवान को भोग लगा हुआ खाना ये खाएंगे क्या? मैं खाता भाई, मैं खाता हूँ, रोज खाता हूँ मैं, ना हर कोई तो नहीं खाता भाई, उसी तरीके से आप नहीं खाते, बाकी दुनिया खाती है। मैं मंदिर का प्रसाद भी खाता हूँ, गौमूत्र का पंचगव्य लोगे, बस यही तो बात आ गई। अरे यार ये बात नहीं, पंचगव्य प्रसाद का मतलब यही होता है यार, यही होता है इसका मतलब। आप तो कल में पड़ा हुआ खाना भी नहीं ले रहे, हमें गौमूत्र प्यार है, ये भी तो गलत है ना। यही तो कह रहा हूँ, यही ओपोजिशन है हमारा, भोजन खाते हैं हम तो प्रसाद भी खाते हैं, हर मंगवा लो हर को खाते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में बहुत चीज का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, पंचगव्य। पहली बात देखो, कलमा पढ़ा हुआ हम नहीं लेंगे, कोई मतलब कोई खाना डिलीवरी कोई बॉय हो मुस्लिम उसका बहिष्कार करेंगे, कोई ऊबर वाला वो तो होती है, वो उसकी गलत बात है ना। देखो आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं, एग्री सुनिए, कलमे की एग्री, चलिए मैं एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सुनिए वो है अमित शाह, जैसा है जो जैसा है अमित शाह का बेटा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन है ना, वाइस चेयरमैन, मोहम्मद साहब का एजेंडा हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, बस मैं इतना कह रहा हूं। तो आप किसी के और के ऊपर गौमूत्र पंचगव्य भी नहीं थोप सकते? नहीं थोप सकता, बस इनकी मर्जी है, वहां जाके ले ना ले, सुन तो लो, तो हिंदुओं की मर्जी है, खाए ना खाए, सर्टिफिकेट तो दे रहा है, आपको पता नहीं हलाल सर्टिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है। सर एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो, उसकी इकोनॉमी है, उसको एक ऑल सुनो, मेरी बात सुनो, एक इकोनॉमी है हलाल सर्टिफिकेशन की, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप जाके आज यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आज मैं ज्ञान दे तो उसके बारे में पढ़ लो। बिल्कुल सर, अभी अहमदाबाद में एक ब्लास्ट हुए थे, 56 लोग मारे गए थे, 38 आतंकवादी पकड़े गए यूपी चुनाव में, योगी जी ने भी बोला, मोदी जी ने भी बोला कि वो आजमगढ़ के थे। हलाल सर्टिफिकेट भाई है, हाँ वही आ रहा हूँ, हलाल सर्टिफिकेशन से जिसको पैसा जाता है, हाँ। है इमाम जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, जो यहीं से हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है, रिलीज कौन करता है, इन्हीं की तो इमाम ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो इमाम ऑर्गेनाइजेशन उन आतंकवादियों को केस लड़ रही है, यानी कि हवाला का बहस चल रहा है ना। हलाल फेक वीडियो, मैं कह रहा हूँ, देखो वो उनकी ओपिनियन है, वो उनकी ओपिनियन हो ही नहीं सकती। मैं कल के मुर्गे की दुकान खोल के बैठा, मैं हलाल सर्टिफिकेट मुझे कहाँ से कौन देगा, कहाँ से राइट होगा ये तो बता भाई, ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो हलाल भाई हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ पता है सरकार दे रही है, ये सरकार दे रही है, सरकार को अपोज करें, कौन से सेंट्रल दे रही है या कांग्रेस दे रही है, अभी देख लो हलाल सर्टिफिकेशन क्यों, कौन देता है, कौन देता है, देख लीजिए, ठीक है बताइए थोड़ा इधर दिखाइए, कैमरे में भी दिखाइए, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द, पढ़ लीजिए आप आराम से पढ़ लीजिए, और कोई भी इसे सिख भी नहीं खा सकता, जैन भी नहीं खा सकता, अभी पढ़ लीजिए आराम से, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है सर, अरे सुन तो ले भाई, और वहाँ से कहाँ से एग्जिस्ट करता है वो देखो आप, अवार्ड द आरसीबी आईएसओ एंड आईईसी सर्टिफिकेशन, भाई मेरे को हलाल पे जाओ, कहाँ है फीफा की हलाल सर्टिफिकेट क्या है, आरसीबी प्राइवेट लिमिटेड सर्टिफिकेट, यार ये सब बातों पे अगर जाओगे तो फिर तो बहुत कुछ भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है यार, नहीं यार क्या बात कर रहे, रुको एक बार रुको, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पीवीटी एलटीडी क्या होता है भाई, प्राइवेट लिमिटेड ही होता है पीवीटी एलटीडी, बताओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मानेंगे आप? आपके घर में हल्दीराम का कोई खाना आ रहा है, हाँ। उस पे हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है, हमें उसका ऑब्जेक्शन है, हल्दीराम का खाने पे हलाल सर्टिफिकेशन ना, एक्सपोर्ट में जा रहा है हलाल सर्टिफिकेशन, अच्छा सुनिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो सुनिए हलाल का मतलब मैंने इनसे पूछवा दिया, एक सवाल मेरा ले लीजिए, सुनिए पहले एक सवाल, देखो कोरा पे है, कोरा पे मैं भी लिख सकता हूँ कुछ भी, ठीक है ओके, यहाँ पे देखो हल्दीराम सर्टिफिकेशन एंड एसोसिएशन हल्दीराम, अब ये तो पढ़ लोगे, इसमें हलाल सर्टिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं, बताओ देख लेना पढ़ लेना ध्यान से, वो इंडिया के लिए कि फॉरेन कंट्रीज के लिए, अरब देशों में जाएगा तो हलाल चाहिए उनको, हाँ तो
क्यों मत बेचो वहां जाके, ये देखो अरब देशों में बेचते क्यों, हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चल रहा है? मैं कह रहा हूँ मत बेचो ना अरब देशों का सर्टिफिकेशन क्यों नहीं है? मेरी कहने का मकसद ये है, हलाल का मतलब है कलमा पड़ा हुआ है और हम उनकी धार्मिक प्रतिक्रिया, ये वहाँ विदेश बिकता है। मेरी बात सुनो, इनका मानना है ना कलमा पड़ा हुआ बेच रहे थे, नहीं वो तो नॉर्मली पढ़ते हैं किसी किसी मतलब जिसका जिसका करते हैं, बकरा हो मुर्गा हो किसी का हो, बस ला इला इल्लल्लाह पढ़ते हैं, बस वो काट देते हैं बस नॉर्मली। अब कुछ पढ़ने से बेटर, कुछ ना पढ़ने से बेटर कुछ पढ़ के तो काट रहे। तो हिंदुओं को कोई फोर्स कर रहा है कि आप आइए और ये हलाल वाला खाओ, सर्टिफिकेशन इन फोर्सिंग अस, क्योंकि उसमें कलमा पड़ा हुआ है, कोई और धर्म रीति रिवाज का व्यक्ति वो नहीं ले सकता, खास करके सिख नहीं खा सकते, सिखों की बकायदा मत खाओ ना, इसका ओपोजिशन करेंगे तभी। आप खाते हैं? आप खाते हैं? नहीं खाता ना, नहीं खाते ना, बस तो बिरबान नहीं खाता भाई, जिसको पता नहीं उसको बताना तो पड़ेगा। एक मिनट बताइए, अब वो अगर चलो धार्मिक तरवरिया है अगर, तो मान लो अगर हमने बता दिया कि ये हलाल है, कितने मिनट का हो गया? कुछ भाई होते हैं ऐसे कि मतलब हलाल का उनको पता चल जाएगा तो खाना चाहेंगे। हाँ। बहुत सो का ऐसा होता है कि नहीं दिल करता, वो नहीं मानते तो नहीं खा पाएंगे। अगर हलाल की अगर माहौल लग भी चुकी है तो इससे क्या तकलीफ है? बहुत सो को भाई कांग्रेस ने क्यों दी? मेरी बात सुनो, मैं गांव का हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ मैं। अरे वेजिटेरियन सर्टिफिकेट भी तो होता है, जब होता है वो तो लोगो होते हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदू सर्टिफिकेशन क्यों नहीं बनाया, हलाल ही क्यों बनाया, ये बड़ी बात है। एक एजेंडा क्यों, एक उनकी उनकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए, हमारे भारत में ही नहीं है हलाल, ये हर कंट्री मुसलमान में ये रोक लेंगे। अच्छा मैं आपसे सवाल ये करा, बिल्कुल है ऑब्जेक्शन, आपका ऑब्जेक्शन इस लोकतंत्र में स्वीकार भी करा जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हल्दीराम अगर जो है मेजोरिटी हिंदू हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करते हैं, तो हल्दीराम से ये कहिए कि वो अरब कंट्रीज में जाके ना बेचे, उनको हलाल भारत में बिक रहा है, भारत में भी बैन हो जाए, भारत में क्या दिक्कत है, मत बेचो। मेकअप की कंपनी लिख दीजिए हलाल, टूरिज्म में हलाल की क्या भैया, लिख दीजिए कि यहाँ फ्लैट बना रहा है, वो फ्लैट में हलाल की क्या जरूरत है ये बताओ मुझे, फ्लैट में हलाल होता है? वीडियो दिखा दूं भाई, भाई फ्लैट में भी होता है वायरस, तेरे दिमाग में है भाई, निकल यहाँ से पहली फुर्सत से, फ्लैट में हलाल सर्टिफिकेट भाई साहब देख रहे हो? दिखा दिया तो गूगल पे दिखा रहा हूँ, साउथ की एक कंपनी ने जो मुस्लिम कंपनी है उसने ने कहा है कि दिस इज अ हलाल सर्टिफाइड हाउस। आपको नहीं पता इस बारे में, आपको पता नहीं है इसीलिए आप अंधे हो, इस समय जानकारी ले लो फिर ज्ञान हो जाएगा हलाल का मतलब क्या है, हलाल इकोनॉमी क्या है और आपके खिलाफ क्या एजेंडा चल रहा है। मैंने उस एजेंडा को समझाया, कुछ ना कुछ तो साजिश चल रही है भाई साहब, ने कुछ ना कुछ तो साजिश थी, बैन लग गया, साजिश गजवाई, मैंने मतलब बता दिया, उसके बाद साजिश लग रही है, देखो भैया साजिश लग रही है, ला इलाहा सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ठीक है। खटोत उपनिषद का एक श्लोक है जो कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति न किंचन, इसका मतलब पता आपको? मैं भी आपको पता है? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, उसको मानने के माध्यम अलग अलग है, उसको भी तो मानो आप। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति न किंचन, ब्रह्म के सिवा कोई भी ईश्वर नहीं है, जरा भी नहीं है, ये खटोत उपनिषद कहता है, दोनों में फर्क नहीं है, आप बता दो। पर वो क्या कह रहे हैं, उनका रसूल मोहम्मद है, पर भारत में ऐसा कहा गया है कि मैंने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, उसको मानने के माध्यम अलग है, चाहे आप सिख हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो जैन हो बौद्ध हो यहूदी हो, तो क्या आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते? ये मोहम्मद के थ्रू जाने की बात कह रहा है, रसूल मोहम्मद ही होएगा, हम ऐसा नहीं कह रहे, हमारा ऑब्जेक्ट। अरे तो भैया कह रहे हैं तो गलत क्या है? गलत है ना, क्या इनके माध्यम से थोड़ी जाऊंगा मैं ईश्वर के पास, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे माध्यम से जाओ, कह रहे हैं ये भाई साहब, कब कहा तुमने, लाउड स्पीकर पे सुना रहे हैं सुबह सुबह, पहला कलमा यही होता है यार, क्या बात कर रहे हो आप, हमारे लिए है तुम्हारा, तुम्हें कब बोला? अरे मार को सुना रहे लाउड स्पीकर में, आपने बुलाया भाई साहब कभी? मैंने तो बुलाया, बजता है इनका मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया उस समय पे यही तो कलमा पढ़ता है, यही कलमा चलता है भाई, बुला थोड़ी रहे हैं, पर भाई मोहम्मद रसूल है, उसमें भगवान है, एक बार अजान पढ़ के सुनाओ, एक बार अजान पढ़ के सुनाओ, पहला कलमा तो यही पढ़ा जाता है, मेरी बात सुनो, कलमा अजान में कहां आता है भाई, अजान अजान देखो, अजान की बात सुन ले मेरी बात, पहला कब आता है मोहम्मद, अजान में नहीं आता, अजान में कलमा ही नहीं आता भाई, देखो जितनी मेरी सीमित समझ है, मेरी नहीं 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 मेरी सीमित समझ जो कहती है वो अजान में ये कहते हैं कि वो बुलाया जाता है सभी लोगों को कि आप अजान वो क्या कहते हैं नमाज का टाइम हो गया आ जाओ, ये कहा जाता है मेरी सीमित समझ में, आपने कुछ और कहा तो मुझे नहीं पता, आप भी सुनते होंगे, एक बार फिर दोबारा गौर से सुनना, उसमें कलमा कहाँ था आप सुन लेना, आता ही नहीं है आप भाई मेरी बात सुनो, वो मैंने आपको क्या कहा ईश्वर एक है, आपको अरबी आती है
नहीं अरबी नहीं आती ना, तो फिर कैसे समझ गए भाई? मैंने तो कलमे का मतलब तो पढ़ा दिया, कलमे का पढ़ना तो समझा दिया ना, ये कलमा पढ़ते हैं। देखो मुझे संस्कृत आती थी, मैंने आपको बता दिया, मैंने भी तो आपको बता दिया, मदरसे में सुनाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रसूलल्लाह, तो भाई मैं वो क्यों सुनाऊं? मेरे को कलमे से मतलब है, मैं मोहम्मद साहब के थ्रू ईश्वर के पास नहीं जाऊंगा, मैं राम के थ्रू जाऊंगा, मैं कृष्ण के थ्रू जाऊंगा, मैं महादेव के थ्रू जाऊंगा, मैं राम के थ्रू, मैं मोहम्मद साहब के, भाई बुला रहे हो, कहां बुला रहे भाई, आवाज लगा रहे हो, और बुलाया पांच बार आवाज लगा रहे हो, और कोई मुद्दा उठा लो अब, और कोई मुद्दा, भैया आगे बढ़े तो बात करें, मुद्दे पे आप अटक गए हो, कोई और बात नहीं, अब कोई और मुद्दा भी कर सकते हो। देखो मैं तो बोल रहा था गुजरात के मुद्दे बता दो, आपने बताया नहीं, आप हलाल पे आ गए भाई, हलाल है, एग्जिस्ट करता है हलाल, आप उसको देखो गूगल पे, बस इतना बोल रहा हूँ, होता है हलाल, हम खाते हैं, हम तुमसे कहने नहीं आ रहे कि तुम खाओ, मगर खाते हैं, खाने के आइटम पे छपा हुआ नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ, सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।